वैक्सीन के मामले में चल रही अफवाहों को दूर करने के लिए डॉक्टरों की संस्था IMA ने सराहनीय पहल की है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने लेटर जारी कर कोरोना वैक्सीन के मामले में चल रही अफवाहों को दूर करने के लिए सरकार को सहयोग देने की बात कही है। IMA की ओर से जारी किए गए निर्देशों के बाद प्राइवेट डॉक्टर्स ने कोरोना वैक्सीन को लेकर चल रही अफवाहों को दूर करने के लिए सोशल मीडिया पर अपनी मुहिम शुरू कर दी है। दरअसल कोरोना वैक्सीन आने के बाद वैक्सीन को लेकर उड़ रही अफवाहों के चलते लोगों में वैक्सीन को लेकर भ्रम फैल रहा है। ऐसे में कोरोना वैक्सीन को लेकर उड़ रही अफवाहों को दूर करने के प्राइवेट डॉक्टर्स की संस्था IMA ने सराहनीय पहल की है। IMA ने लेटर जारी कर वैक्सीन को लेकर उड़ रही अफवाहों को दूर करने के लिए सहयोग देने की बात कही है। यही नहीं, वैक्सीनेशन के लिए भी संस्था ने सरकार को सहयोग देने की बात कही है। IMA ने यह लेटर अपनी संस्था के सभी डॉक्टर्स को जारी किया है, जिसके बाद संबल जनपद में निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए कोरोना वैक्सीन के मामले में चल रही अफवाहों को दूर कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहूँगा, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारी मेक इन इंडिया वैक्सीन आई है, जो कि एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। इसके बहुत ही कम साइड इफेक्ट्स हैं, हम सबको लगवानी चाहिए। डॉक्टर्स लोग सबसे पहले लगवा रहे हैं, इसलिए जिससे आप सबको इस वैक्सीन पर विश्वास जमे। बस मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा, जब तक हमारा ये नारा था, जब तक दवाई नहीं जब तक ढिलाई नहीं। अब दवाई तो नहीं है, मगर वैक्सीन आ गई है। वैक्सीन भी दवाई की तरह ही है, इसलिए वैक्सीन लगाइए, मास्क से मुक्ति पाइए। धन्यवाद। मैं अपने सभी IMA मेंबर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आगे आएँ और सबसे पहले वैक्सीन लगवाएँ, एक उदाहरण पेश करें और जनता में विश्वास जगाएँ कि ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। मैं सभी अपने चंदूसी ब्रांच के, रात ब्रांच के आसपास जितनी ब्रांचेस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आके सबसे पहले वैक्सीन लगवाएं। एक IMA प्रेसिडेंट, पास्ट IMA प्रेसिडेंट होने के नाते मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि ज़रूर ही इसको लगवाएं। गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी और हमारे इंडियन साइंटिस्ट की एक बहुत बड़ी रिसर्च सफल हुई है और उसके लिए हम सबको मिलकर सहयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे ऐसी कोई, जैसा मिथ है कि बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हर दवाई, हर इंजेक्शन में कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट थोड़े बहुत होते हैं, उससे हम फिर भी जीत सकते हैं, लेकिन इस बीमारी से, इस वैक्सीन के अलावा नहीं जीत सकते। तो वैक्सीन को लगवाना बहुत ज़रूरी है। साथ के साइड इफ़ेक्ट्स के लिए अगर थोड़ी सा भी डर है मन में या कुछ है, तो गवर्नमेंट ने और उन फार्मेसीज, उन कंपनीज ने एक खास तौर से गवर्नमेंट के सहयोग से दिल्ली में एक हेड ऑफिस बनाया है, जिसमें आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं पोस्ट वैक्सीनेशन कोई भी एलर्जी के लिए। दूसरी बात, ऐसी कोई सीवियर रिएक्शन एलर्जी नहीं है, क्योंकि ये लाइव वैक्सीन नहीं है, ये अटेन्यूएटेड वैक्सीन है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। किल्ड वैक्सीन, किल्ड मतलब उसमें वायरस या कोई भी स्ट्रेन, चाहे ये चाहे दूसरा नया स्ट्रेन, जो भी स्ट्रेन अब तक पता लगे हैं, उन सबके अगेंस्ट ये वैक्सीन है। तो इसमें कोई ऐसा डर नहीं है कि दूसरा स्ट्रेन आ जाएगा अगर वायरस का, तो हमें फिर दूसरी वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। इसमें सबका कवरेज है। प्रेग्नेंट लेडीज़ या लैक्टेटिंग मदर्स का अभी तक रिसर्च तो ऐसा नहीं है, लेकिन वैसे नुकसान इसलिए नहीं होता क्योंकि लाइव वैक्सीन से नुकसान होता है, ये लाइव वैक्सीन है नहीं, तो लगवा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं।